कोरोना वायरस को लेकर पूरे यूपी में बढ़ती जा रही हैं सावधानियां। पूरे प्रदेश में आज से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है तथा सभी सीमाओं को सील किया गया है, जिसके चलते राशन तथा सब्जियों की दुकानों में उमड़ी भीड़, दुकानदारों ने ग्राहकों से लिए मनचाहे पैसे तथा बस, मेट्रो, रेलवे जैसी अन्य वाहनों पर भी लगाई गई है लगाम। मोटरसाइकिल पर एक तथा चार पहिया वाहन पर दो लोगों से ज्यादा बैठने पर उनका चालान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कानपुर पुलिस के थाना रेल बाजार, बाबूपुरवा थाना, जूही, किदवई नगर, कानपुर नगर के सभी प्रमुख चौराहे तथा गली कूंचे में पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर निगरानी साफ दिखाई दे रही है तथा कानपुर के बारा देवी चौराहा पर जिला मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। आरपी वर्मा, उन्होंने रोड पर चलने फिरने वाली जनता को समझाया, घर से फालतू बाहर ना निकलें जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो। वहीं कानपुर शहर के कुछ नौजवान युवकों ने सड़क पर अपनी अपनी मोटरसाइकिल से फर्राटा भरते नजर आए, जिनको कड़ी सख्ती से पुलिस बल द्वारा रोक कर सख्त हिदायत दी गई। जब लोगों द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई तो मजबूरन उन्हें बल का प्रयोग भी करना पड़ा। कई लोगों के वाहनों के चालान के साथ साथ वाहन भी सीज किए गए तथा युवक व युवतियों को फालतू घर से न निकलने की हिदायत भी दी तथा मुंह पर मास्क या फिर रुमाल बांधने को कहा और सभी को मास्क के साथ हेलमेट भी लगाकर वाहन चलाने को कहा, जिसका कार्य सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का आदेश भी दिया। वहीं कानपुर गंगा पुल शुक्लागंज से आने जाने वालों पर भी रोक लगाई गई तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को मुर्गा भी